जीआरपी अजमेर द्वारा 3 अलग अलग प्रकरणों में 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं। एक व्यक्ति से आधा किलो अफीम और आधा किलो गांजा जब्त किया और उसको गिरफ्तार करके एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। दूसरे के कब्जे से एक चोरी गया पर्स जिसमें 10,000 रुपये और चोरी के 8 मोबाइल एवं एक चाकू बरामद किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया। और तीसरा 2 वर्षों से फरार स्थायी वारंटी था, उसको भी गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश किया गया। उनकी रकम क्या है गांजे? अफीम और गांजा मिला के करीब 90,000 कीमत के हैं। कौन है ये, क्या नाम है? कागज अफीम गांजा जिसके कब्जे से बरामद हुआ, ये गेगल निवासी मोइनुद्दीन, और मोबाइल चोरी और पर्स चोरी का जो आरोपी है पंकज, ये भरतपुर निवासी है, और स्थायी वारंटी का नाम मोहम्मद बुंदू खां है। कहाँ ले जाता था बेचने के लिए? वहाँ एमपी से लाना बताया है, आगे बेचने के बारे में अभी रिमांड लेके पूछताछ करेंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से? रेलवे परिसर से।